बोलिए सतगुरुदेव की जय। मैं अपनी बातचीत वहीं से प्रारंभ करूंगा जहां छोड़ी थी। जो कुछ है सूरत है, जिन श्वास और श्वास का प्रेम प्याला पिया, नाम दरियाव तहां पैर जाई। अब यहां क्या कह रहे हैं, नाम दरियाव तहां पैर जाई। जिन श्वास और श्वास नाम प्याला पिया, नाम दरिया आवत तहां पैर जाई। नाम दरिया बोल रहे हैं, नाम दरिया परम पुरुष है, नाम उसके अंदर से निकली बूंद है। इस तरह से वो वहां पहुंचेगा। नाम ध्यान बल हंसा घर जाई, नाम ध्यान बल हंसा घर जाई। आगे फिर क्या कह रहे, चढ़ी मतवालिया और हुआ मन सावता, फटिक शिला फिर ना ही फूट जाए। एक बार अगर हमने दही को मथ दिया, मथ कर मक्खन अलग कर दिया, फिर करता है मैं ना ही समाई। आत्म अनुभव सुख से प्रकाशा, तब भव मूल अविद्या नाशा। अभी नाम में ऐसी क्या है, बात क्या है, चेतन नाम है। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, खुमारी कह रहे हैं अभी। शराब पीने वाला शराब पीता है, संभवत है नशा। रात को पिया सुबह उतर जाता है, लेकिन खुमारी रहती है। मैंने ये बात पहले भी एक प्रवचन में कही थी। अमेरिका का एक पायलट कहीं ड्रग्स का यूज करता था, उसने रात्रि में कहीं पी थी, पर उसकी खुमारी, इसको कहते हैं अंग्रेजी में एक शब्द है, हैंगओवर। नशा उतरने के बाद भी नशा रहता है, नशा पूरी बॉडी में पहुंचता है। आप देखते होंगे नशा करने वाला आदमी, उसके हाथ पांव भी नहीं चलते, जीभ भी ठीक से नहीं चल पाती है। इसका मतलब है नशे का असर आपके पूरे स्नायु मंडल पर पड़ा, और नशे का असर सबसे पहले आपके दिमाग पर पड़ा। नशे में इंसान क्या क्या गलतियां कर लेता है आप समझते हैं। एक बार आदमी नशा किया हुआ था, धुत था नशे में, झुककर यूं देख रहा था, काफी देर ऐसे झुककर देख रहा था। एक आदमी ने देखा, ये बड़ी देर से झुककर देख रहा है, क्या मसला है। उसके पास पहुंचा, बोला भाई मैं देख रहा हूं बड़ी देर से आप झुककर कुछ देख रहे हैं, क्या है। उसने कहा आपको नहीं दिख रहा है, पूरा शहर घूम रहा है, मैं इसलिए झुककर देखता हूं, मेरा घर आ जाए तो मैं यहीं से घर में घुस जाऊं। ये शराबियों के काम है। तो पूरा स्नायु मंडल जो है प्रभावित होता है। इस तरह गुस्से से भी होता है, खुमारी में आपको नाम खुमारी बताना चाहता हूं, इस तरह गुस्से से भी होता है। जब आदमी क्रोध करता है, क्रोध तो चला गया, खुमारी रह जाती है। बाजे लोग ऐसे हैं जो गुस्सा कर लेते हैं, फिर रात भर नींद नहीं आती, यानी पूरी बॉडी इन्वॉल्व हुई, यही नींद की भी खुमारी है। कहते भी हैं जागने के बाद बच्चे तो बड़ी देर तक कुछ रोते हैं, और बड़ा आदमी भी थोड़ी देर बैठ जाता है,
नींद से जागने के बाद अर्ध चेतन अवस्था में होता है, वो नींद की खुमारी है। वाह क्या बात है, नानक देव जी फरमा रहे हैं नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। जब आप सुमरण करते रहेंगे वो खुमारी चढ़ी रहेगी। ये खुमारी यूं भी है, कभी आप एक चीज देखना, सिनेमा हॉल से निकलने वाले आदमियों को आप देखना, उन पर फिल्म की खुमारी होती है। मुझे एक चुटकुला याद है, जो कमजोर दिमाग के हैं उन पर तो काफी देर खुमारी रहती है। एक आदमी था वो सिनेमा देखता था, जब उस पर उसका दो दिन खुमारी रहती थी, वैसा ही एक्टिंग करता रहता था। उसकी बीबी उसको फिल्म जाने नहीं देती थी, उसको फिल्म की खुमारी दो दिन तक रहती थी। एक बार उसने अपनी पत्नी को कहा मुझे पैसे दो मैं फिल्म देखने जाना है। बोले नहीं नहीं कोई फिल्म नहीं देखना है। बोला मैंने संत ज्ञानेश्वर फिल्म देखने जाना है। पत्नी ने कहा ठीक है, संत ज्ञानेश्वर फिल्म देखेगा तो कम से कम दो दिन संत की तरह शांत रहेगा, मेरा मत्था नहीं चाटेगा, दिमाग से कमजोर था। पैसे दिए, फिल्म देख के आया, हंटर चलाने लगा, जनानी को भी दो तीन हंटर खींच के मार दिए। अरे जनानी का रुको रुको रुको, ये क्या कर रहे हो तुम, तो संत ज्ञानेश्वर फिल्म देख के आए, हंटर कैसे चला रहे हो। बोला खामोश, उसका हाल फुल था, मैं हंटर वाली फिल्म देख के आया हूं। कहने का मतलब है ये खुमारी है। उसने बीबी को कहा चुप रहो, वो दो दिन हंटरबाजी करता रहा। संभवतः बीबी को जाना पड़ा होगा मायके कहीं दो दिन। हर इंसान पर खुमारी है, तभी तो वो गीत कितना प्रासंगिक है। किसी को नशा है जहां में खुशी का, किसी को नशा है गमी जिंदगी का, कोई पी रहा है लहू आदमी का, किसी को नजर से पिलाई गई है, खुमारी में है ये दुनिया। तो साहब कह रहे हैं नानक देव जी फरमा रहे हैं नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, और रहती है। इसी खुमारी को आगे कह करके अजपा बोलते हैं, जरूर जो भी दृश्य आप देखते हैं आपके चित्त पर उसका असर पड़ता है। यही तो सूरत योग की टेक्नोलॉजी है। अब यहां कह रहे हैं बाकी खुमारी नहीं, बाकी चिंतन नहीं करना। चिंता तो सतनाम की, वाह, चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस, कबीरा वही काल की फांस। नाम के अलावा जो भी आप देखिए, आप एक पल भी स्थिर नहीं होते हैं, एक पल भी नहीं होते हैं। अगर एक पल भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर होए, कहे कबीर उस पलक को कल्प न पावे कोए। तन स्थिर हो, मन स्थिर हो, सुरत स्थिर हो, एक पल आ जाए कोटि युगों की तपस्या उसमें आ जाएगी। कल्प तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर होए, कहे कबीर वा पलक को कल्प न पावे कोई। कल्पांतर की साधना भी उसके आगे कुछ नहीं है, क्योंकि आत्म साक्षात्कार है वो। मन बुद्धि चित्त अहंकार के निग्रह के बाद जो बाकी बचा वो आत्मा है, बड़ा साफ साफ है, जो बाकी बचा वो आत्मा है। इसलिए ये बनत बनत बन जाई, जब आपका ध्यान एक ही पॉइंट पर है। साहब के शब्द कितने सार्थक है, उन शब्दों में कितना वजन है। वो एक विराम है अभिव्यक्ति का, उसके बाद उनसे बेहतर कोई शब्द नहीं बोला है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने तो, वो बीएचयू में हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष थे और
साहित्यकार और समाज सेवी और काफी बुद्धिजीवियों में उनको गिना जाता है। वो तो अपनी वाणी में कह रहे हैं कबीर साहब को शब्द नहीं ढूंढने पड़ते थे, शब्द तो उनके आसपास मंडराते थे हमें बोलो। बाकी संतों ने भी यूं कहा, नानक देव जी कह रहे हैं जैसे आए खसम की वाणी, जैसे आए खसम की वाणी तैसे बजाऊं सुनो वो लालो, जैसे आए खसम की वाणी तैसे बजाऊं सुनो वो लालो। तो उन्होंने ध्यान एकाग्र के लिए कितने सुंदर शब्द कहे, चिंता तो सतनाम की और न चित्वेदास, चिंता तो सतनाम की और न चित्वेदास, जो कुछ चित्वे नाम बिन वही काल की फांस। नाम के अलावा आप जो भी चिंतन कर रहे हैं वही काल की फांस है, केवल वो नाम का चिंतन ही यथार्थ है। इसलिए ये एक पैमाना है एकाग्रता को नापने का, स्मरण। अगर आपका स्मरण छूट गया तो आप समझना कि आप कहीं गए, मन आपको ले गया। यही तो मन की कला है, आपको आत्मा तक नहीं जाने दे रहे हैं। मन से बड़ा आपका कोई बैरी नहीं। वो क्यों ऐसा कर रहा है, वो आपको शरीर बनाकर रखना चाहता है। हम सब एक सयाद के काबू में, शैतानी खोपड़ी के हाथ में है, हमारी आत्मा के पास कोई अभाव नहीं है। यानी हम जिस संसार में रह रहे हैं वो एक जेल है और वो शैतानी ताकत हमें शरीर में रखना चाहती है। शरीर में दुख है, तंधर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया, वाटे वाट हर कोई दुखिया, वाटे वाट हर कोई दुखिया, क्या तपसी क्या वैरागी, जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख सुना, आशा तृष्णा सब घट व्यापे कोई महल ना सोना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, संत सुखी मन जीती। बस मन आपका बैरी है, इसको गांठ मान लो और मन के मते मत चलना। मन के मन लोभी मन लालची मन चंचल मन चोर, मन के मते न चलतू भाई पलक पलक मन मोर। आप मन के मते का मतलब जैसा मन कहे वैसा मत करना, मन पर सवार होना आपको डुबा देगा। आपका बैरी मन के अलावा कोई भी नहीं है, मन से बड़ा आपका कोई बैरी नहीं है। मन के चलाए तन चले ताको सर्वस्व जाए। गुरुमुख बनने का मतलब है जब आप गुरु के शब्द का पालन करते चलेंगे तो मन वहां बंध जाएगा, एक सिस्टम है। गुरुमुख और मनमुख में यही अंतर है, मनमुख जो मन कहता है वो करता है, गुरुमुख गुरु के शब्द पर चलता है। सात नियमों में और नाम नाम के टाइम आपको एक सीमा में बाउंड कर दिया था, सत्य बोलना, मांस न खाना, शराब न पीना, कोई नशा न करना, परिस्त्री गमन नहीं करना, चोरी न करना, जुआ न खेलना, हक की कमाई खाना। नर्क के जो सात द्वार है वो यही है, उनसे बचाने के लिए ये बोला नियम। झूठ, कुंभी नर्क का दरवाजा है, हर पाप झूठ से शुरू होता है। मांसाहार घोर पाप है। जब मैं ये बात बोलता हूँ दुनिया चिढ़ती है। ये महान अहिंसावादी भारत, यहाँ सत्य और अहिंसा का बहुत बड़ा महात्म है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मोर देन 80% लोग मांसाहार का सेवन कर रहे हैं। जब हम ये बात बोलते हैं तो लोग चिढ़ जाते हैं ना। अहिंसा का क्या मतलब है, मन वचन कर्म से किसी जीव को आप कष्ट नहीं देना, आप सभी प्राणियों की सुरक्षा का पूरा पूरा ध्यान रखें जी। और कर्म, ये कर्म भूमि है, कर्म गत चारे ना है टरी, गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत पड़ी, आदि शब्दों में कह रहे हैं। जो सर काटे आन का आपन रहा कटाए, तुलसी या जगाए के बदला कहीं न जाए। आप जिसका सर काट रहे हैं आपका काटेगा फिर। सदना कसाई का ये किस्सा है,
ये कोई दंतक बातें नहीं है, ये यथार्थ बातें हैं। और किसी से दगा धोखा छल मत करना, ये बहुत बड़ा पाप है। कितना बड़ा पाप है मैं बताता हूँ। मेरे पास तो कई चीज़ें आती, एक बेचारी माता आई, बहन जी आई, भोली थी, बॉर्डर साइड की थी, रामगढ़ से आगे के बॉर्डर पर। मुझे आकर बोला, गुरुदेव हमने जमीन खरीदी और बंदा फौज में सिपाही था, बहुत कड़ी मेहनत का पैसा आता है सैनिक का, रात में जाकर ड्यूटी करता है, जहाँ जाना है वो जाना है, पूरा दिन बिजी रहता है, बड़ा घोर परिश्रम करना पड़ता है। वो पैसा खून का है, उसने अपने बहुत ताकत लगाई, थोड़ा थोड़ा पैसा उन्होंने इकट्ठा किया, हमारी भोली थी, सोचा थोड़ा बॉर्डर में कभी कभी जब फायरिंग होती है तो लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, कभी आपने देखा पशु मर जाते हैं, वो सीमा पर रहने और ज़मीनें अच्छी हैं वहाँ सीमा के साथ में, तो लोग वो ज़मीनों को भी चाहते हैं, अनाज भी पैदा हो जाता है, मजबूरियाँ रहना पड़ता है, यदा कदा फायरिंग शुरू हो जाती है, कोई ठिकाना नहीं हमारे पड़ोसियों का कब फायर शुरू कर दें खलल है दिमाग में। तो मुझे कहा, गुरुजी मैंने एक ज़मीन खरीदी थी, अब एक इंजीनियर आया वो घर नहीं बनाने दे रहा है। मैंने कहा, इंजीनियर क्यों नहीं घर बनाने दे रहा है, आप मेरे पास कागज लाना, हमने न्याय समिति भी बनाई है, सेवा समिति भी बनाई है, ऐसे सत्संगी जिनके साथ अन्याय हो रहा है हम उनको न्याय दिलाने की सेवा समिति है हमारी, न्याय समिति। मैंने कहा आप कागज ले आओ फिर हम देखते हैं वो क्यों नहीं बनाने दे रहा है। कागज लाए, वो एक नोटरी थी सिर्फ कच्चे कागज पर, उससे 7 लाख रुपया उसने ले लिया था। ये बात आपको मैं 15 साल पुरानी बोल रहा हूँ। उस सैनिक ने जो अपने सैनिक जीवन में जो भी पैसा कमाया था वो उसने उसमें दिया। बोली थी, भाई इरिगेशन के जेई से संपर्क किया गया, भाई क्यों इसको नहीं बनाने दे रहे घर। बोला, महाराज ये जमीन नहर विभाग की है, मेरी नौकरी चली जाएगी। जैसे रेलवे ट्रैक पर इंजीनियर है और उसके साथ लेबर है, उनकी ड्यूटी है 1-2 किलोमीटर की, अगर बीच में एक्सीडेंट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि तुमने पटरी क्यों नहीं चेक किया। इस तरह नहरों में ही होता है, दोनों तरफ रास्ता बनाते हैं सफाई के लिए क्रेन जा सके। तो कुछ लोग क्या करते हैं, वहाँ कहीं लहसुन लगा देते हैं, कहीं सब्जी लगा देते हैं, तो इरीगेशन डिपार्टमेंट उस पर एतराज़ नहीं करता है। सोचा चलो पड़ी हुई है लगाएं, जब हमारी क्रेन जाएगी हम तो ऊपर से ले जाएंगे, वो उनकी इंस्ट्रक्शन है। लेकिन कोई अगर कंस्ट्रक्शन करता है वो अलाउड नहीं करते। वो बोला, भाई ये तो रास्ता है नहर का, इस पर कैसे बनाने दें। अच्छी बात थी, माई के पास एक नोटरी का प्रूफ था जिस ठग ने उसको ज़मीन दी थी। मैं आपका टाइम जाया नहीं कर रहा हूँ, इसलिए इससे आप ये भी समझना कि खरीद परोस्त आप बिल्कुल ठीक से करना, पहले बयाना मत देना किसी को। कुछ तो ठग ऐसे हैं फर्जी कागजात दिखाकर आपसे बयाना ले लेंगे, गुम हो जाएंगे, आप भरोसे में रहेंगे कि बस अब ज़मीन हमारी होने वाली है। उसने कहा, महाराज ये ज़मीन तो इरिगेशन डिपार्टमेंट की है। माई ने कहा, भाई इस पर पहले सब्जी करते थे। बोला, सब्जी वो अभी भी वो कौन मना कर रहा है, ये तो ईंटें गिरा करके और मकान बना रही है, मैं मेरी नौकरी 2 मिनट में चौपट हो जाएगी, मुझे कहेंगे तुमने क्या ऑब्जर्वेशन किया। बात समझ में आई। अब उस आदमी से संपर्क किया हमारे लोगों ने जो ठग था, ठग काबू नहीं आए। तो न्याय समिति में वकील भी हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग भी हैं जो लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए काम करते हैं, लेकिन मसले आजकल बहुत हैं, वो भी तंग हो जाते हैं बेचारे। संपर्क किया, वकील ने कहा ऐसा करो एक अप्लीकेशन थाने में दे दो पहले, क्योंकि ये फ्रॉड केस है। उसकी कापी देकर अप्लीकेशन किया, SHO से भी रिक्वेस्ट की। हमारे लोगों ने कहा, भाई इसके साथ में फ्रॉड हुआ, गरीब हैं, बेचारी सैनिक की पत्नी हैं, जो इसने सेना में कमाया वो इसने रखा था, क्योंकि बॉर्डर पर फायरिंग होती है, लोग शहर के पास थोड़ी आकर ज़मीनें लेते हैं, अक्सर ले रहे हैं यहाँ, ऐसा ही आरएसपुरा में, ऐसा रामगढ़ में, ऐसा बीजेपुर में, तो ऐसा सांबा में है। तो कुछ लोग फिर क्या करते हैं, जब फायरिंग या ऐसी हरकत हो जाती है थोड़ा पीछे आ जाते हैं। SHO ने कहा ठीक है, अच्छा था, सज्जन था, ऐसा नहीं है पुलिस विभाग में अच्छे लोग नहीं हैं, बड़े अच्छे हैं, न्यायशील हैं, पर कुछ बेचारों की नहीं चल पाती है पॉलिटिकल प्रेशर के कारण, नहीं तो अच्छे लोग आज भी हैं उसमें, बहुत जो जज्बा रखते हैं लोगों की सेवा करने के, हर महकमे में अच्छे लोग बुरे हैं।
उसने कसा, बोला भाई मैं FIR करूंगा 420 का। उसने कहा अच्छा दे दूंगा। हमने SHO को कहा साहब इसकी बात नहीं माने, बड़ा फ्रॉडी है, 4-5 साल से माई को घुमा रहा है। माई ने सोचा जब बंदा आ जाएगा रिटायर तब घर बनाएंगे, थोड़ा ग्रेजुटी फंड वगैरह मिलेगा। अब वो आ गया, ये सीधा है, वो फौज में था। जब दबिश दी उसने कहा 3 महीने बाद मैं पैसे दूंगा। SHO ने लिखवा कर ले लिया। मैंने कहा ठीक है 3 महीने बाद देगा। 3 महीने बाद माई को वो क्या बोल रहे हैं, ठगी करने वाला बड़ा तेज इंसान होता है। बोला देखो इसके बदले एक दुकान दे देता हूँ मैं कहीं। माई आई, मुझे कहा गुरु महाराज आप बताओ दुकान दे रहे हैं। माई उतावली थी, सोचा कुछ ना कुछ मिल जाए ठीक है। मैं कहा माई मत चिंता कर, तुझे पूरा हक दिलाऊंगा, विथ इंटरेस्ट दिलाऊंगा। न्याय अभी भी है, पर अभी न्याय पहले मांग कर मिलता था, अभी लड़कर मिलता है न्याय है। कहा नहीं, फिर उसको तलब किया मां, अंतोगत्वा उसे पैसे देने पड़े। तो कहने का मतलब है आप संभल जाइए। तो आइए मैं वापस आ रहा हूं, जिस समय आप स्मरण कर रहे हैं आप अपने में, बाकी टाइम पर आप अपने में नहीं है, संभल कर रहे हैं ना दुनिया में। आजकल ठगी भाई भाई से कर रहा है, कोर्टों में मुकदमे जाकर देखो, गैरों के नहीं अपनों के 80% मुकदमे हैं। उन 80% में मुकदमे ठगी बेईमानी के ज़्यादा हैं, छेड़ाछाड़ी के ज़्यादा हैं, बलात्कार के ज़्यादा हैं, बाकी क्रिमिनल बहुत कम हैं, ठगी के बहुत ज़्यादा है। संभल कर, ऐसी ठगियाँ हमारे साथ भी हुई हैं। तो बंधुओं चिंता, जब आप स्मरण कर रहे हैं आप एकाग्र हैं, आप बिल्कुल एकाग्र हैं, आप कंसंट्रेट हैं। सुमरण के अलावा जो भी चिंतन है वो काल की फांस है। मन क्या करेगा उस समय, बहुत चालाक है, शात्र है मन। मन की चालाकी और शात्रता पर इसको फ्री मत छोड़ना, कभी भी इसको फ्री मत छोड़ना, इसके कहने पर नहीं चलना। ये खूंखार है, वैसा ही खूंखार है। एक लेडी ने एक मगरमच्छ पाला छोटे से, वो मगरमच्छ को अपने साथ सुलाती थी, बड़ा प्यार करती थी, उसका पूरा ध्यान करती थी। मगरमच्छ बड़ा हो गया, बड़ा होने के बाद उसने कुछ खाना पीना बंद कर दिया। उस लेडी ने बड़ी कोशिश की, डॉक्टर को चेक करा, डॉक्टर ने कहा सावधान हो जाओ ये तुम्हें खाने वाला है, ये अपने पेट में जगह बना रहा है तुम्हें निगलने के लिए, इसलिए कुछ नहीं खा रहा है, क्योंकि उसकी वृत्ति यही है। मैं लोगों से कहता हूं खूंखार प्राणियों को मत पालना कभी, बड़ी मूर्ख दुनिया है। कभी कभी ऐसे खूंखार जीवों को वो पालते हैं, वो अपनी वृत्ति नहीं छोड़ते हैं कभी भी। मन अपनी वृत्ति नहीं छोड़ेगा, मन खूंखार है। आखिर में उस लेडी को उसको जंगल में छोड़ के आना पड़ा, वो खाना था उसको, वो उसे खाना था। इंसान धोखा कर रहे हैं जब, तो जानवर नहीं करेंगे क्या, वो भी कर लेते हैं। तो ये मन उस मगरमच्छ की तरह मत पालना, एक दिन खा लेगा, इसके कहने पर नहीं चलना। मन पर असवार होना है। जिस दिन मन कहे कि आज मैंने आलू खाना है मत खिलाना, उस दिन आलू मत खिलाना, कुछ और खा लेना। मन लोभी, मन लालची, मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चल तू भाई, पलक पलक मन और। मन हंसे, मन रोए, मन जागे, मन सोवे, मन लेवे, मन देवे, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। पल पल सूरज संभालना, पल पल, ये दाव वो मारता है इंसान को डुबा देता है। पल पल सूरज संभाल, गफलत नहीं सदा होशियार देखना, इस सुरती को सुमरण में पेलना, इसके अलावा नहीं तो सूरत को घुमा, कुछ हासिल नहीं होगा। चिंता तो सतनाम की,
और न चित्वेदास, चिंता तो सतनाम की, और न चित्वेदास, जो कुछ सत्य नाम बिन वही काल की भांस। इतनी चालाकी से आप जब एकाग्र होंगे, आपके ध्यान को आपकी श्वासा को समेट देगा नीचे, हार्ट एंड वार्म फीलिंग्स लाएगा। आपके जीवन में जो कहीं दुख मिला होगा ना, वो घुमाकर आपके पास लाएगा, आप उसमें डूब जाएंगे। कभी कभी किसी चीजों में विषयों की तरफ आपको दौड़ाएगा, बस आप विषयों में ही चक्कर लगाते रहेंगे, डुबा देता है ये। इसलिए मन के मते न चलतू भाई, पलक पलक मन और। साहब ने अगर साहब की वाणी, साहब ने कंसंट्रेट किया तो सब चीज़ों को किया। जीवन शैली, समाजवाद, ऐसा कुछ नहीं है जो साहब ने नहीं बोला, पर चार पांच चीज़ों पर काफ़ी कंसंट्रेट हुए हैं। सतलोक पर, नाम पर, गुरु पर, सुरति पर, सुमरण पर। सुमरण सूरत संभाल कर मुख से कुछ ना बोल, बाहर के पट बंद कर भीतर के पट खोल। अब आपके पास एक बूस्टर लगा है कंसंट्रेशन का, नामदान के टाइम। वाह, खास बात यह है, गुरु कैसे पार करेगा। जो आदमी आईसीयू में था, लाइफ सपोर्ट पर था, डॉक्टर ने औषधियां देकर उसके अंदर स्ट्रेंथ बढ़ाई है, इस तरह नाम होए तो मात नवावे, ना तो ये मन बांधना चाहे। अब आपके पास में रोशनी है, अंधकार है पूरी दुनिया में, आपके हाथ में टॉर्च है, आप वो जगाते चलो। इसलिए उसको काल क्या करे, उसको काल क्या करे जो आठ पहर होशियार। अगर नाम नहीं जप रहे हैं तो आप फिर क्या कर रहे हैं, मन की तरंगों में आप झूम रहे हैं। वाह, मन की तरंग मार दे, बस हो गया भजन। क्या बात है, लोग कह रहे हैं भाई गागर में सागर समाया, साहब ने तो बूंद में सागर समा दिया। इसलिए आप सुमरण नहीं छोड़ना। मुझे एक आदमी ने बोला, महाराज ये परमात्मा भी मतलब भी है, जब उसको रटो तब दर्शन देता है। नहीं नहीं, वो आपसे दूर कहाँ है, वो आप जो सुमरण कर रहे हैं वो तो एकाग्रता का एक आयाम है, एक आपकी आंख खोलने का, जिससे आप देखें। आपकी आंख है लेकिन पलक आपके नीचे है तो कुछ नहीं दिखेगा। सुमरण आयाम है अपने अंदर झांकने का। ऐसा नहीं बोल रहे हैं साहब कि जब तब संयम साधना सब सुमरण के माँ है। कबीर जाने संत जन सुमरण सम कृष्णा है, ये खावता पीवता जागता सोवता कहे कबीर सो रहे। फिर खुमारी रहेगी आपकी, आप चाहे नहीं जपेंगे ना तभी भी ये उसकी खुमारी बनी रहेगी। वो नानक देव जी के शब्द में सार्थकता है, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। वो खुमारी आपको रात दिन चढ़ी रहेगी भैया। तो सूरत नहीं आप भूलना, सूरत से देख सकी वह देश, सूरत का खेल सारा है। मुझे सुन रहे हैं वो भी सूरत हैं, मुझे देख रहे हैं वो भी सूरत हैं, आप समझ रहे हैं वो भी सूरत हैं, जो कुछ है। वाह, एंड में साहब क्या कह रहे हैं, जो कुछ है वो सूरत ही है। कहे कबीर समझा है, शैली बहुत उत्तम थी। कुछ लोगों को मैं बताता हूँ, जानकर अंग्रेजी के जटिल शब्दों को बोलते हैं विद्यता दिखाने के लिए, ये विद्यता नहीं है। आप अपने विचारों को जितनी सहजता से बाहर रख सकते हैं उतना ही आप टैलेंट, उतने ही आप शिक्षाविद हैं, उतने ही सहज हैं आप। इसलिए साहब ने सहज वाणी का प्रयोग किया है, उन जटिल जटिल वक्र चीज़ों को सीधा करके आम आदमी तक पहुंचाने का प्रयास किया है। उन्होंने तो भैया बिंदु के अंदर सिंध समाया है, पर साथ में हिदायत दे रहे हैं अटपट वाणी कबीर की झटपट लिखी न जाए, अटपट वाणी कबीर की झटपट लखी न जाए, जो कोई झटपट लखे ताकि डूब न जाए। तो जिन श्वास और श्वास का प्रेम प्याला पिया, नाम दरिया आवत है पेश जैया। नाम दरिया, परमात्मा सूरत का सागर है, असीम है वो कंसंट्रेशन, चेतना है शुभ। आत्मा के गुणों का वर्णन भी इसी तरह से किया है, चेतन अमल सहज सुखरा से। आत्मा उसका अंश होने के कारण से जो चीज़ें उनमें, सब चीज़ें आपकी आत्मा में निहित है। मैं क्षमा चाहता हूँ, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊँगा।
साहिबन की।